शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। लता, आसमान में उड़ते पंछियों, जमीन पे रेंगते हुए कीड़ों और जंगल में घूमते हुए जानवरों को भी माँ का प्यार मिलता है। नहीं मिलता तो अमीरों के बच्चों को नहीं मिलता। जानती हो बच्चे के मुंह से क्या पहला शब्द निकलता है? माँ। लेकिन ये शब्द जब पहली बार चीख बन के हमारी छाती से निकला तो उसका जवाब हमारी अपनी माँ ने नहीं दिया, इसकी ममता ने दिया हमें। माँ। इसीलिए हमने हमेशा इसी को माँ माना और किसी को नहीं। हमारी माँ को तो हमारे साथ खेलने से ज्यादा ताश खेलने का शौक था। पता खेलिए रानी साहबा। बड़े कुंवर तो आपसे भी अच्छी ताश खेलते हैं। क्यों ना खेले, बेटा किसका है। लेकिन छोटे कुंवर कहाँ रहते हैं, उनको कभी नहीं देखा माँ के पास। आया तेरा छोटे कुंवर को बोला। सोच क्या रही हो, पत्ता फेंको ना। ठहरो भी माँ, वो क्या खेल रहे हैं? बोलो ना माँ, वो क्या खेल रहे हैं? ये तुम क्या कह रही हो बेटे, ये तुम्हारी आया है? माँ तो हम है। नहीं, आप रानी माँ जी और ये माँ है। आया, ये तुम क्या सिखा रही हो छोटे कुंवर को? अगर तुम माँ हो तो हम क्या है जी? खामोश। राजा साहब किधर है? बच्चा आपको माँ कहे तो कैसे, आपने बच्चे को माँ का प्यार नहीं दिया। ताश के 52 पत्ते दिन में 1000 बार देखती हैं आप, लेकिन आपको फुर्सती नहीं मिलती कि बेटे का चेहरा दिन में एक बार देख सकें। उसने जब भी आपको देखा है चलती फिरती तस्वीर की तरह देखा है। बच्चा तो उसी को माँ कह सकता जिससे उसे माँ का प्यार मिला हो। इसलिए इसलिए हम आया को नहीं निकाल सकते, आपके कहने पर भी नहीं। तो आपको भी बेटे की तरह आया हमसे ज्यादा पसंद है क्या? ये वही खून है जो अब तक जमा हुआ हमारे दिल पर, वो भयानक तस्वीर खुदी हुई है हमारे सीने पे। खून में डूबी हुई हमारी माँ, मौत की आंधी में कांपता हुआ उसके होठों पे आखिरी शब्द, बेटा हम दुनिया में सब कुछ भूल सकते हैं मगर वो खून नहीं भूल सकते। रानी माँ जी ने बहुत कोशिश की हमें बहलाने और अपनाने की, लेकिन हम वो खून की लकीर कभी ना पार कर सके जो उनके और हमारे दरमियान खींच गई थी। पिताजी के दिल पे भी कम चोट नहीं आई, रानी माँ का जुर्म तो छुप गया दौलत के जोर पे, लेकिन पिताजी के दिल पे नासूर बन के बैठ गया। किस तरह वो परसों बिस्तर से ना उठ सके, 15 साल इसी में गुजर गए। एक दिन बेटा करण, हम जानते हैं तुम अभी तक अपने आया की मौत को भुला नहीं सके, इसलिए अपनी माँ से दूर दूर रहते हो। लेकिन बेटे, हमारी दुनिया एक और ही दुनिया है, ऊंचे लोगों की दुनिया, जहाँ इंसान की जान से उसके खानदान की झूठी शान की ज्यादा कीमत होती है। हम दिल खोल के हंस भी नहीं सकते, जी भर के रो भी नहीं सकते। पिताजी, आपको डॉक्टर ने पीना मना किया है। हाँ बेटे, इसके सिवा डॉक्टर कर ही क्या सकते हैं, उनके पास हर बीमारी की दवा है लेकिन यादों को मिटाने की दवा नहीं। हम भी यादों को मिटा नहीं सकते, सिर्फ भुलाने की कोशिश कर सकते हैं शराब के सहारे। पिताजी इस दुनिया से चले गए, मगर उनके जाने के फौरन बाद
हम भी उन्हीं के कदमों पर चलने लगे। हमें भी वही बीमारी थी जो उन्हें थी, याद। हमने भी इलाज ढूंढा तो वही ढूंढा, शराब। अब तुम्हें मालूम हुआ लता, हम शराब क्यों नहीं छोड़ सकते? कौन कहता है आप शराब नहीं छोड़ सकते? मर्द वही होता है जो अपनी कमजोरियों से ज्यादा कमजोर नहीं होता। आप विश्वास नहीं करते मुझ पर? विश्वास करते हैं, इसलिए लता हम तुम्हारे सर पे हाथ रख के इस देवी की सौगंध खा कर कहते हैं, हम आज के बाद शराब कभी नहीं पीते। अरे लता, ओ लता, मुझे शराब की कसम, मैं तुझसे बदला लूंगा। तेरी वजह से मेरे छोटे सरकार भटक गए, मैं उनको फिर से रास्ते पे ले आऊंगा। तेरा सत्यानाश हो। अरे ये मेरे जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है? मेरी नसें क्यों फट रही है? ओ, लो। अरे ये पेट्रोल का पीपा कहां से उठा लाई? मुझे तो शराब चाहिए थी मेरी माँ। अरे पीपा पेट्रोल का है, अंदर मवे की शराब भरी है। बहनोई रोज पीवत है। अच्छा, अरे तो आज बहनोई समझ के ही पिला दे मेरी रानी। ले ले ला। अरे 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 अरे, हाँ इसने तो अंदर बाहर सब जला दिया। ये शराब है कि पेट्रोल? अरे देसी माल ऐसा ही होवत है, लेकिन तुमरे को माल से क्या, तुम्हें तो नशा चाहिए और इसमें अंग्रेजी से बढ़कर नशा होवत है। चल ले जा। अच्छा ले, लेट गया। आंखें बंद कर। बंद कर ली। अब मुंह खोल। हम तुम्हें मजे से पिलावत है। अरे तू पहले घास लेट भेजती थी क्या? तुमरे को नशा मंगता है कि नहीं? नशा नशा चौक फिर लो। ठहर गया। नशा। बोलो कैसा है नशा? अरे मुझे को यार माफ करना, मैं नशे में हूँ। बिजली, हमको किसी की परवाह नहीं है। अरे छोटे सरकार ने शराब पीनी छोड़ दी तो क्या हुआ? बड़े सरकार ने तो नहीं छोड़ी। क्या मतबल? हम बड़े सरकार की नौकरी करेंगे, हम उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। थी, 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 थी। अरे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, हमरे को ये बात पसंद नहीं। अरे आजकल बड़े बड़े लोग यही करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी से तीसरी, माल कमाने का यही तरीका है। छोटे सरकार, बाहर आपके कुछ किसान आपसे मिलने आए हैं। हमारे किसान बाहर क्यों खड़े हैं? उन्हें हमारे पास अंदर भेजा जाए। जो छोटे सरकार, हमें अर्जी लिखवा कर लाए हैं आपके लिए। हमने पढ़ ली है अर्जी। कब? आपने तो देखी तक नहीं। हमने पढ़ ली है, इनकी आंखों के अंधेरों में, इनके चेहरों की झुर्रियों में, इनकी भूख और हमारे जुल्म की कहानी इनके माथों पे लिखी। लता, हमारे गांव आदर्श गांव होने चाहिए। इनमें से जिनके पास घर नहीं उन्हें घर दे दिए जाए, जिनके पास जमीनें नहीं जमीनें दे दी जाए, जमीनों पे कुएं खुदवा दिए जाए, पंप लगवा दिए जाए, हमारे अनाज के गोडाउन खोल दिए जाए, जो जितना ले जाना चाहे उसे ले जाने की इजाजत है। छोटे सरकार, हम आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे? एहसान? एहसान किस बात का? हम तुम्हें दान नहीं दे रहे, समझ लो हम अपने पुराने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। धन्य है आप छोटे सरकार, भगवान आपको लंबी उम्र दे। बता सकी रहे हैं। हमारे दौरे का इंतजाम करो, हम अपनी जमीनों पर जाएंगे और अपने लोगों से मिलेंगे। Thank you.
लता, जो चीजें हवाओं में लहराती हैं और आसमानों पर उड़ती हैं, उन्हें बांधना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बंधी हुई छुपी हुई अच्छी लगती हैं। जो आज यहाँ आए गए, आज के दिन हम बरखा माता की पूजा करते हैं। आज के दिन तोहरा के हमरा संग गावे पड़ी, खावे पड़ी, नाचे का पड़ी। हमें नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। हाँ मालिक, प्यासी धरती की पुकार हम कितवा से ही आसमान तक पहुँचावत हैं। ये धरती तो वो धरती है मालिक, जहाँ नेहरू जी भी नाचिन है, शास्त्री जी भी नाचिन है। बैठो मालिक, आते फिर घूमते फिर दे। इस त्योहार की खास रीत होवत है मालिक, पहले हम मर्दन औरतन की टोलियां बनावत हैं, फिर जोड़ियां, जौन जोड़ी सबसे सुंदर होवत मुखिया उनका अंगूठियां पहनावत है। अरे सबसे सुंदर जोड़ी तो यही बैठी है, एक राजा दूजी रानी, लाओ अंगूठियां। ये लाओ मालिक, तो लाओ। ठहरो, तुम दोनों तो बहुत अनाड़ी निकले हो रे, अंगूठी पहनी नहीं जावत, पहनाई जावत है। तोहार अंगूठी ऊ का पास है, ऊ का अंगूठी तोहार पास है, अपना अंगूठी अपना रानी का पहनावा। ऐसे नहीं। अब पहना। अपनी राजा को पहनावा। अरे नहीं जाओ। काट क्यों रही हो? यहां जाओ, आपके पास मालिक।
ठंडक रे। भूख लगी? फिर कुछ कुछ नहीं। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। क्या जो तुम्हारे साथ हो रहा? जी चाहता है कुछ कहे मगर कहा नहीं जाता। दिल चाहता है कुछ कुछ भी नहीं। आदाब आदाब। अरे आदाब बाद में करना, पहले ये बताओ जो माल लाने गए थे लाए हो कि नहीं? अरे हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, लाया हूँ। अरे ये तो आ गई, वो नहीं आई क्या? वो भी आई है सरकार। इसके बिना वो नहीं, उसके बिना ये नहीं, और दोनों के बिना दुनिया नहीं सरकार। लाते हुए किसी ने देखा तो नहीं? आप तखत राम को मूर्ख राम समझ रही हैं सरकार, गुलाम को मालूम नहीं क्या? किसी ने देख लिया तो हुजूर की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है ठीक है, लेकिन माल है किधर? मालिक लाया हूँ, अभी बुलवाता हूँ। अरे अंदर आ रही। बड़े हुजूर को प्रणाम कर ले। हुजूर आज ही आई है नई नई मिस लिली, बीए पास। क्यों? ब्यूटीफुल नहीं है? ब्यूटीफुल। हुजूर माल पसंद आया? ठीक है सुन जा मालिक। चलो करो आदाब। बेबी तुम्हें नचना आता है? या 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 नौकरानी को हमारे पास ले आए, अगर उसने बाहर जाकर मुंह खोल दिया तो हमारी इज्जत का क्या होगा? आप उसकी फिक्र मत करिए सरकार, मैं उसका मुंह बंद करवा दूंगा। मगर हुजूर मैंने उससे वादा किया था कि आप उसे इनाम में 5 एकड़ जमीन और एक मोटर वाला पंप देंगे। बस इतना कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा सरकार। मगर याद रखो, अगर इसके बाद भी ये बात बाहर निकली हम तुम्हें गोली सुना देंगे। आप क्यों तकलीफ करते हैं सरकार, मैं खुद ही अपने आप को गोली मार लूंगा। आपकी इज्जत मेरी इज्जत। अच्छा जाओ जाओ, वो 5 एकड़ गायब हो जाएगा। आदाब सरकार। आदाब। सुना है आपके छोटे भैया लाखों रुपए खर्च करके एक महल बनवा रहे हैं, किसके लिए? हमें क्या मालूम। आपको तो तब मालूम होगा जब एक मामूली नौकरानी इस घर में रानी बन जाएगी। रानी? हाँ रानी। सच पूछिए तो महल नहीं बन रहा, हमारे और आपके अरमानों की समाधि तैयार हो रही है। हंसने की बात नहीं है, लता ने बहुत ऊंची कमन फेंकी है। डार्लिंग ये करण का अपना मामला है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी शादी वहीं होगी जहां उसका दिल होगा या माँ की मर्जी होगी। आपके माता जी की मर्जी तो कल तक यही थी ना कि करण की शादी हमारी बहन के साथ की जाए, और शादी उसी के साथ होनी चाहिए। हम अपनी बहन के लिए नहीं आपके हित के लिए कह रहे हैं। करण की दौलत को अपने कब्जे में लेने का यही एक तरीका है। अब भला तुम्हें कोई कैसे समझाए, पुराने घड़े खोदने से क्या फायदा?
भाभी ने भूल में कुछ नहीं कहा, जो कुछ कहा सोच समझ के कहा। यही तो मुसीबत है रानी माँ जी, हम बड़े लोग भूल कर भी कभी भूल नहीं करते। किसी को गाली भी देते हैं तो सोच के, किसी को चाबुक भी मारते हैं तो समझ के। उस दिन कोई भी होता तो यही करता, खास तौर पर जिन्हें लड़की ब्यानी हो। उस दिन का कारण और था, आज का कारण बदल गया है। हम बदल गए इसलिए तो अच्छे बुरे की पहचान करने लगे। सिर्फ तुम्हारी पहचान काफी नहीं है करण, तुम्हारे लिए अच्छा क्या है वो कुछ हमें भी सोचना होगा। जब सूरज चढ़ता है भैया, तब दुनिया वालों को मिलकर बैठकर ये फैसला नहीं करना पड़ता है कि अब दिन है या रात। करण, हमें ऐसा लगता है तुम किसी लड़की से प्यार करने लगे। सवाल ये नहीं है कि हम किसी लड़की से प्यार करते हैं या नहीं, लड़की हमें ऐसी चाहिए जो हमसे प्यार करे, हमसे, हमारी दौलत से नहीं, हमारे खानदान से नहीं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं भी आप ही से बात करने आई हूँ। अच्छा, तो रानी माँ जी ने भेजा है तुम्हें? जो काम वो खुद ना कर सकी वो तुमसे कराना चाहती हैं, लेकिन इस मामले में तुम्हें हार माननी पड़ेगी। जानती हो क्यों? प्यार एक ऐसी गली है जिसमें सिर्फ एक का गुजर हो सकता है, दो का नहीं। वो एक कौन है? एक देवी जिसे हमने अपना सब कुछ दे दिया। चलो भी है वो मंदिर जो हमने अपनी देवी के लिए बनाया है, यही हमारी जिंदगी के बाहर आके रहेगी। लता, ये प्रेम नगर है, हमारे प्यार की जीती जागती तस्वीर। अगर हमारे पंख होते तो हम उड़कर आसमानों से चांद और सितारे तोड़ के ले आते इस महल में रोशनी करने के लिए। लेकिन वो देवी कहाँ है जिसके लिए आपने इतना सुंदर प्रेम नगर बनवाया है? तुमने अब तक देखा नहीं उसे? देखोगे भी कैसे, वो तुम्हारे दिल में रहती है। आओ हमारे साथ। देख लो अंदर जाकर वो मौजूद है। हमने करण के कारनामे देख लिए, आपने अपने कानों से सुन लिए, लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए इसका फैसला कौन करेगा? जो तुम ठीक समझो करो, तुम्हें पूरा अधिकार है। हम चमड़ी उधेड़ देंगे तुम शक्ति। कौन है बंदर खराब जिसने देवी माता के गले से जड़ा उहार उड़ाया है, जिसकी छत्र छाया कितनी सदियों से हमारे खानदान के सर पर है? कौन है वो? कौन है वो जिसने उसी मां के गले में हाथ डाल दिया?
गुस्ताखी की माफ पूछू, मंदिरों में तो चोरी वही करते हैं जो मंदिर जाते हैं। हमारे मंदिर में हमारे खानदान के सिवा और कौन जा सकता है? वहां तो सिर्फ रानी माँ जाती है या हमारी पत्नी। कभी कभी दूसरे भी जाते हैं सरकार। अभी कल की बात है। कल? कल कौन गया था मंदिर में? लता। अगर लता मंदिर में जाकर चोरी कर सकती है तो दुनिया का कोई भी आदमी चोरी कर सकता है रानी माँ जी। वहां भी कर सकती है, आप कर सकती है। करन! अपने आप ही में रहो। तुम लता को हमसे मिला रही हो? हम किसी को किसी से नहीं मिला रहे रानी माँ जी। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, अगर आपको लता पर शक है, हम खुद लता को यहाँ बुलाते हैं, आपके सामने पूछते हैं। तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भैया तफ्तीश कर रहे हैं। भैया तफ्तीश नहीं कर सकते, वो सिर्फ जुल्म कर सकते हैं रानी माँ जी। उनका इंसाफ भी उनकी चाबुक की तरह अंधा है, जो परस्ता पहले और सवाल बाद में पूछता। आप कैसे आए? लता के बक्स में मुझे ये हार मिला। इसे देखते ही मुझे लगा यह हार इसी महल से आया होगा। लता हमें दिखाने के लिए लाई होगी शायद, और वापस करना भूल गई। अच्छा छोटे सर, मैं चलती हूँ। तुम अब भी कह सकते हो लता के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है? जवाब दो। मैंने जब चोरी नहीं की तो मैं कैसे कह दूं कि मैं चोर हूँ? आपकी चाबुक से ज्यादा मुझे अपनी आत्मा का डर है, अपने भगवान का डर है। मैंने गरीब के घर में जन्म जरूर लिया है, लेकिन मेरी रगों में नानी का कीचड़ नहीं बहता। काश देवी माँ की जुबान होती, फिर वो कहती कि मुकदमा झूठा है, ये गवाह झूठे हैं, ये इंसान झूठा है, मुनसा झूठा है। तुम हमने झूठा कहती हो? वेल डन, वेल डन माय ब्रदर, वेल डन। बहुत खूब, ये खूबसूरत काम हमारे खानदान में पहली बार सिर्फ आप ही ने किया है। एक औरत पे हाथ उठाने का तमगा भी सिर्फ आप ही को मिलेगा। करण, शर्म नहीं आई एक औरत पे हाथ उठाते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती एक मुजरिम की वकालत करते हुए? जुर्म साबित करने से पहले आपको सजा देने का कोई हक नहीं। आपके पास क्या सबूत है कि जुर्म इसने किया? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जुर्म इसने नहीं किया है? सबूत? लता, ये सब कैसे हुआ? कैसे क्या हुआ लता? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम हमसे मांगो और हम तुम्हें दे ना सके? समझी, वही बात जो आपके भाई तमाचे से पूछ रहे थे आप नरमी से पूछ रहे हैं। नहीं लता, हमें तो खुद इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो हार तुम्हारे घर से निकला है, तुम्हारी माँ खुद लाई है, वो हार तुम्हारे घर तक पहुंचा कैसे? मेरा घर तो बहुत दूर है, वो हार मेरे बटुए में मिल सकता था, मेरे शरीर पे मिल सकता था। तुम हमें गलत समझ रही हो। नहीं छोटे सरकार, दुनिया में बड़े लोग क्या नहीं कर सकते? ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है लता। तो सुनिए जवाब, मैं चोर हूँ, देवी का हार मैंने खुद अपने हाथों से चुराया है। यही करने के लिए मैंने पहले आपकी नौकरी की, फिर आपसे प्यार किया। सुन लिया जवाब लता। जी हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछने आई हूँ। बोलिए, मैं चोर हूँ क्या? मेरी आंखों में आंखें डालिए और जवाब दीजिए, मैं चोर हूँ? जवाब नहीं दे सकती ना? आपको अच्छी तरह मालूम है वो देवी का हार कैसे गायब हुआ। मुझे अच्छी तरह मालूम है वो हार क्यों गायब हुआ। आपने अपने बेटे की खातिर किसी और की बेटी पर इल्जाम लगा दिया, ये इंसाफ है क्या? झूठ के किले ज्यादा दिन खड़े नहीं रह सकते। जिस दिन वो गिर जाएंगे और आपका पोल खुल जाएगा, उस दिन आप क्या करेंगे? उस वक्त आपका क्या होगा? आपकी इज्जत का क्या होगा? आपको ये नाटक रचाने की जरूरत ही क्या थी? आपने एक शब्द, सिर्फ एक शब्द मुझसे कह दिया होता तो मैं खुद यहां से चली जाती। मैं यहां नौकरी करने आई थी, लेकिन एक मां के आंसू देके मैंने उसके बेटे को सुधारने की कोशिश की,
मैंने जो कुछ भी किया वो आप क्यों नहीं किया, अपने लिए नहीं? मुझे उन्हें इस घर में जगह चाहिए थी, ना उनके दिल में। उन्होंने जो कुछ भी दिया मुझे अपनी मर्जी से दिया, मैंने नहीं मांगा था। ये भी अगर जुर्म है तो सर आंखों पे। मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। मैं एक पल में आपका बेटा आपको समके जा सकती हूँ, उसके बाद मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, ना इस घर में ना उनकी जिंदगी में। एक बार आपने कहा था ना लता, हम तुम्हारा कर्ज कभी नहीं उतार सकेंगे। आपने उतार दिया कर्जा, सारे कर्ज उतार दिए। आपने जो हमें इज्जत दी है वो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आपने साबित कर दिया छोटे सरकार कि आप सचमुच के महाराजा हैं, महाराजा हैं। अरे तुम क्यों रो रही हो? पुराने बादशाह भी यही करते थे, हाथियों पर बुलवाते थे और गधों पर भेज देते थे। इन्होंने तो हम पर एक एहसान किया है कि गधे नहीं मंगवाए। आप तो बड़े हैं बुजुर्ग, आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। छोटे सरकार, हम लोग पहले ही आधे मरे हुए हैं, अपनी हमदर्दी से हमें और हमारी है। तुम आखिर चाहती क्या हो? अपने जुर्म की सजा। हमने तो नहीं कहा कि तुमने जुर्म किया है। लेकिन मैं कह रही हूँ, अपने हित के लिए दूसरों को धोखा न देना, अपनी जगह भूलकर दूसरों की सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेना, अपनी इज्जत दूसरों के गरुड़ के पांव के नीचे रख देना, ये सारे कसूर किए हैं मैंने। उनकी सजा मुझे मालूम है भोगनी पड़ेगी, लेकिन क्या ये जरूरी है आपके सामने भोगनी पड़े? लता, मेहरबानी करके चले जाइए यहाँ से। तुम हमें बात भी करने दोगी कि नहीं? आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपकी बात सुनने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। आगे आपको जो कुछ कहना होगा मेरी लाश से कहना होगा। चले जाइए यहाँ से, चले। हाँ हाँ, हम चले जाएंगे। इस वक्त तुम होश में नहीं हो कि तुम हमारी बातें समझ सको। हमारे हर लफ्ज का कुछ तुम और ही मतलब निकाल रही हो। जब तुम्हारे गुस्से की आंधी थम जाएगी हम फिर आएंगे। चलिए पिताजी, हम यहाँ एक पल और नहीं ठहर सकते। That's it. महल वालों ने नौकरी की जगह टोकरी हाथ में दे दी और धक्का खा के सीधा आप यहाँ पहुँचे। आपको तो बड़ा गुमान था ना कमाने वाली बेटी पर। बड़ी शान से कह गए थे भूख से मर जाएंगे लेकिन बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, उसके घर में कदम नहीं रखेंगे। भैया, हम सारी उम्र तुम्हारे सर का बोझ बनकर तुम्हारे दरवाजे पर नहीं पड़े रहेंगे। मुझे 4 दिन में नौकरी मिल जाएगी, हम दूसरा ठिकाना कर लेंगे। तुम अपने इतने बड़े घर में एक छोटा सा कोना अपने माँ बाप भाई बहनों को सर छुपाने के लिए नहीं दे सकते। हाँ, अगर कुछ दिन गुजारा करना चाहो तो इस बिल्डिंग के पीछे नौकरों का एक क्वार्टर खाली है। हाँ। चाहो तो देख सकती हो। Yes. हमें देखने की जरूरत नहीं, हम वहीं ठहर जाएंगे। Then okay. Let's move. चलो come on, उठाओ सामान। ए, बड़े सरकार किधर है? फिर तो बड़े सरकार आप ही हैं। कंधे पर हाथ क्या रखा, मालूम पड़ा बिजली के नंगे तार को छू लिया। भूल रहे हो कमबख्त, हम मौन थे, तुम नौकर। पता, इसीलिए तो आज मैंने थोड़ी पीली सरकार। जब वो अंदर जाती है तो मालिक और नौकर दोनों बाहर रह जाते हैं। बदतमीज, उठो। क्या करने आए भैया? बस वही पुरानी चीज लेने आया हूँ, पैसे। कल तो दिए सत्र। कल की बात कल के साथ गई हुजूर, आज का किस्सा नया किस्सा। आंखों में खून न उतारिए मालिक, चुपके से जेब में हाथ डालिए और पैसे दे दीजिए। नहीं देंगे तो क्या कर लोगे तुम? नहीं करना तो कुछ नहीं पड़ेगा, इसी महल का एक और दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। मैं सीधा जाकर छोटे सरकार के पांव पकड़ लूंगा और साफ साफ बता दूंगा, देवी का हार मैंने आपके हुक्म से लता के घर पहुंचाया था। ठीक है तो मैं फिर चलता हूँ। क्या से कहा हो, ये लो अपने पैसे तो लेते जाओ। अंकल, अंकल, अब तो बस जलवे ही जलवे हैं। अरे तो फिर हो जाए जरा जलवा चमेली के मंडवे चल। बोल देवी माँ कहाँ, लता के घर में कैसे पहुँचा?
सरकार सरकार मैं बेकसूर हूँ हुजूर, मैंने जो कुछ किया वो बड़े सरकार के हुक्म से किया। शराब पी के आए हो क्या? शराब नहीं, तेरा घोला हुआ जहर पी कर आ रहे। बोल देवी माँ के हार का नाटक क्यों रचाया तूने? बोल देवी माँ की सौगंध खाकर क्या क्या साजिशें की तूने लता को महल से बाहर निकालने के लिए? तुम चाहते क्या हो? सदियों से बनाई हुई इस खानदान की इज्जत एक पल में खाक हो जाए? ये हमारे होते हुए कभी नहीं होगा। क्योंकि तू खानदान की इज्जत बढ़ा रहा है मासूम और बेकसूरों पर जुल्म करके। तू उस खानदान के लिए गालियां जिसमें तूने जन्म लिया है। जबान को लगाम दो, तुम्हारी रगों में किन लोगों का खून है? एक मामूली लड़की से शादी करके तुम उस खून में नारियों की गंदगी भरना चाहते हो? शमशेर, इस महल के इतिहास में लिखा जाएगा तो लिखा जाए एक भाई ने दूसरे भाई का खून कर दिया, मगर साथ ये भी लिखा जाएगा उसने भाई की जान ली इंसाफ की खातिर। अगर तुम्हें पिस्तौल पाना है तो हम तुम्हें बताते हैं हाथ कैसे चोरी हुआ और किसके हुक्म से। हमारे हुक्म से। इतनी बड़ी जागीर का मालिक और एक नौकरानी के लिए अपने आप को भूल बैठे? ये हमसे देखा नहीं गया। माँ का प्यार नौकरानी के प्यार के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। माँ का प्यार? कहाँ का शब्द है ये? ये शब्द आज हम पहली बार इस महल में सुन रहे हैं। अनंत, मैं आप ही से पूछता हूं रानी माँ जी, आपको मालूम है माँ का प्यार क्या होता है? मालूम हो भी कैसे, आपको अपने आप से फुर्सत ही कम मिली है। आप तो एक दिन के लिए क्या एक पल के लिए भी माँ न बन सकी। हमें माँ का प्यार मिला जरूर, लेकिन अपनी माँ से नहीं, एक नौकरानी से। आज भी हमारी आंखों के सामने उस आय की तस्वीर घूमती है, जिसके दिन हमारे लिए थे, जिसकी रातें हमारे लिए थी, जो हमारे लिए जीती भी रही और मर भी गई। माँ का प्यार उसे मालूम था, माँ के प्यार की कहानी वो अपने खून में लिख गई। और मजे की बात तो ये है कि आज खून बहाने वाले प्यार की दुहाई दे रहे हैं। करण, सच्चाई कितनी कड़वी होती है, अभी तो हमने पूरी बात नहीं की। काश हम अपनी छाती चीर के दिखा सकते इसमें कैसे कैसे घाव पड़े हैं, और एक एक घाव चीख चीख के कह रहा कि सामने जो खड़ी है तेरी माँ नहीं है करण, नफरत की देवी है जिसने पहले तेरी माँ का खून किया फिर तेरे प्यार का गला घोट दिया। प्यार, प्यार इन महलों में सबसे बड़ा जुर्म है, लेकिन ये बात बेचारी लता को क्या मालूम, वरना इस जानवर में सोए हुए इंसान को न जगाती, उसे ये ना सिखाती, नफरत से प्यार ऊंचा होता है, पाप करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। हमने तो आपको भी माफ कर दिया था रानी माँ जी, लेकिन आपने खूब बदला चुकाया। लता को महल से बाहर निकाल दिया, हमारे जीवन से बाहर निकाल दिया, और वो भी सीधी तरह नहीं, पूरी साजिश के साथ। आगे पड़ता था सिर्फ माँ के प्यार का, पीछे फिर वही खौफनाक खेल। एक बार फिर बेचारे प्यार को नफरत की देवी की चौखट पर बलि चढ़ाया जा रहा था। बस करो करण, अब हम और जहर नहीं पी सकते। ये जहर आपको पीना पड़ेगा रानी माँ जी, एक ना एक दिन सबको उस दरबार में जाना है, जहाँ दौलत साथ नहीं जा सकती, ये महल साथ नहीं जा सकते। वहां जाके आप लोगों को मालूम होगा, जो इस दुनिया में कांटे बोते हैं उन्हें उस दुनिया में भी कांटे मिलते हैं। करण, तुम अपनी माँ को ऐसा श्राप दे रहे हो? श्राप के सिवाय देने के लिए हमारे पास है ही क्या? जब घर में आग लगती है उससे एक ही चीज उठती है, धुआं। ये समझ लीजिए हमारी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे हैं, हमारा जलते हुए दिल से धुआं उठ रहा। हम जा रहे हैं। आपको मुबारक हो ये महल, आपको मुबारक हो ये दौलत, ये राज। कमाल है लता, अब हमारे साय से भी डर लगने लगा है। मुझे मालूम हो गया रोशनी और अंधेरे का मिलन नहीं हो सकता। लता, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम ये बताने आए हैं कि तुम बेकसूर हो। मैं तो पहले ही जानती थी, आपको अब मालूम हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो गई है छोटी सरकार, जो कलंक मेरे माथे पर लगना था लग गया। वो कलंक हमने मिटा दिया है पूरे महल के सामने लता। आप इतनी दूर यही कहने आए? हम तुमसे माफी मांगने आए।
जो सजा का हुक्म दे सकते हैं माफ करना भी उन्हीं का अधिकार होता है। समझ लो लता, सजा देने वाले आज खुद तुम्हारे दरवाजे पर माफी मांगने आए। माफी देने वाली मैं कौन होती? मैं तो सिर्फ सजा सुन सकती हूँ, सजा भोग सकती हूँ। हमें एक बात आज मालूम हुई, अमीरों के महल अगर मकरूर हो सकते हैं तो गरीबों के झोपड़े भी कुछ कम नहीं होते। नहीं मिलता तो दोनों दरवाजों से क्षमा का दान नहीं मिलता। आप जो चाहे सोच सकते हैं। अब सोचने के लिए तुमने छोड़ा ही क्या है? पहले तुम्हारे और हमारे बीच लोगों ने अमीरी और गरीबी की दीवार खड़ी कर दी थी, उसे तो शायद हम तोड़ सकते थे, लेकिन ये दीवार जो तुमने खड़ी की है, तुम्हारे अभिमान की दीवार, इसका तोड़ना हमारे हाथ में नहीं है। आप भूल रहे हैं छोटे सरकार, ये अभिमान नहीं स्वाभिमान है। गरीब का अकेला धन, ये धन भी मुझ गरीब के पास न होता तो मैं शायद जी न सकती। दूसरों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। बड़े सरकार अगर मुझ पर चाबुकें भी बरसा दे तो उनकी चाबुकों की ऐसी चोट न लगती जैसी चोट आपने मुझे पहुंचाई। शक तो आपने भी किया ना मुझ पर। मैं दूसरों के लगाए हुए इल्जाम भूल सकती हूँ, दी हुई सजाएं भूल सकती हूँ, लेकिन आपका शक नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। मैं आपसे एक बात कहूँ छोटे सरकार? हाँ जरूर कहो, जरूर। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। आप पास होंगे तो आपका लगाया हुआ शक मुझे मार डालेगा, आप दूर होंगे तो मेरे जीने के लिए आपके प्यार के सहारे काफी हैं। तुमने ये भी सोचा यहाँ से जाकर हम कौन से सहारे ढूंढेंगे? फिर वही शराब की पुरानी बोतलें, रातों को वही गंदी महफिलों जिनमें प्यार नहीं है, सिर्फ जिस्म खरीदे जाते हैं। आप अब उन महफिलों में वापस नहीं जा सकते, ना ही शराब की बोतलों के सहारे ढूंढ सकते। आप मुझे वचन दे चुके हैं और आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। मेरे पास नहीं, उससे दूर नहीं। तो हमें तुमसे हमेशा दूर ही रहना होगा, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला नहीं, आखिरी विनती है। तुम्हारी ये विनती हमारे भाई के चाबुक से कम जालिम नहीं है, लेकिन एक दिन जिसे तुम अपना स्वाभिमान कहती हो, अपना धन मानती हो, उसके लिए तुम्हें आंसू बहाने पड़ेंगे। हमारे सच्चे प्यार को ठुकरा कर तुम उतना ही बड़ा पाप करी हो जितना बड़ा पाप हमारे घर वालों ने किया तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर। एक दिन हमने इन बोतलों को तोड़ दिया था, शायद इन बोतलों ने हमें बददुआ दी, इसलिए हमारा दिल भी टूट गया, दिल भी टूट गया। छोटे सरकार, पूरन काका, पूरन काका तुम ही बताओ। हम रुपए से शराब की बोतलें तो खरीद सकते हैं, लेकिन दिल कौन से बाजार में खरीदने जाए? इसलिए आज हम शराब से अपने टूटे दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलो सरकार। पूरन काका, छोटे सरकार, लता, तुम क्या समझती हम तुम्हारे सामने पी नहीं सकते? पिएंगे हम, उस वक्त तक पिएंगे जब तक तुम नशे के धुओं में खो नहीं जाती। और जानती हो, नशे के धुओं में सब कुछ खो जाता है। लीजिए, आप तो रोज पीते हैं, आज ये भी पीते देखिए। इसमें शराब से नशा भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है, दाढ़ी भी ज्यादा है। हम पिएंगे, जरूर पिएंगे। लता लता, ये शराब नहीं, तुम्हारा दिया हुआ दर्द है, हम पिएंगे, जरूर पिएंगे। लता लता, तुम जीत गई, हम हार गए। ना अब हम पी सकते हैं, ना जी सकते हैं, लेकिन एक बात हमें बता दो, तुम्हें हमसे प्यार है, ये सच है ना? बोलो लता, ये सच है कि नहीं? बोलो लता, बोलो लता। अपने आप को संभालिए, आप तो मर्द हैं। आप माँ के पास बैठिए, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ दवा लाने। आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। आप शराब पीते हैं? पीते थे, अब छोड़ दी। क्यों, किसी डॉक्टर ने मना किया है? जी नहीं, लेडी डॉक्टर। ओह, लव अफेयर। मिस्टर करण सिंह, एक बात आपसे कहें।
शराब पीना अच्छा नहीं है, लेकिन वर्षों पीने के बाद उसे फौरन छोड़ देना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। You see that? सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए मेरी सलाह है आप नशे के लिए नहीं, दवा के तौर पर थोड़ी सी ब्रांडी सुबह और थोड़ी सी शाम को जरूर पी लीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, अब पी नहीं सकते हम। अपनी सेहत के लिए भी नहीं? अपनी सेहत के लिए भी नहीं, अपनी जिंदगी के लिए भी नहीं। नो थैंक यू डॉक्टर। सके तो उसे भूल सकते हैं मगर पिए कैसे, उसे भूल सके तो पी सकते हैं मगर भूले। शराब से नशा भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है, दाढ़ी भी ज्यादा है। शराब है, दवा समझ के पी लीजिए। किसके लिए? अपने लिए। हम किसके लिए हैं? जिंदगी के लिए। आपको जीना है अपने लोगों के लिए, उन किसानों के लिए जो आपको भगवान मानते हैं, उन मजदूरों की खातिर जिनकी जिंदगी का सहारा और कोई नहीं, अपनी जागीर के लिए, अपने खानदान के लिए। तुम्हारे लिए नहीं है ना करण? छोटे सरकार, हम करण से फिर छोटे सरकार हो गए। हाँ, हमारा नाम तुम्हारे दिल से निकला और तुम्हारे गले में अटक गया। तुम कब तक अपने आप को धोखा देती रहोगी? ये किसान, ये मजदूर तुम्हारे तो लाए हुए हैं हमारी जिंदगी में। हम जानते हैं, तुम्हें मालूम है तुम्हारा स्थान हमारे जीवन में क्या है। इसीलिए तो कह रही हूँ आप पी लीजिए। पागल हो, जब हम तुम्हारी तस्वीर के सामने नहीं पी सके तो तुम्हारे सामने कैसे पी सकते हैं? हम इतने कमजोर नहीं हैं। कभी तुम्हारे कहने पे शराब छोड़ देंगे, कभी तुम्हारे कहने पे शराब पी लेंगे। इस मिटते हुए शरीर में पहाड़ जैसा दिल है। मैं जानती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। आप चाहें भी तो आप बुजदिल और कायर नहीं बन सकते। कायर? कायरी और बहादुरी तुम क्या जानो लता? ये तो हमसे पूछो जिनकी कायरी से बरसों दोस्ती रही है और बहादुरी से नई नई मुलाकात हुई है। कायर तो सिर्फ जीने के लिए जीता है, लेकिन जिनके पास दिल होता है ना, वो प्यार के लिए जीते भी है और प्यार के लिए मरते भी है। आप सब्र रखिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप डॉक्टर की सलाह मानिए और पी लीजिए। हम एक सवाल करें, जवाब मिलेगा? तुम्हें हमारी इतनी फिक्र क्यों है? हम बताते हैं तुम्हें, तुमने हमसे प्यार किया, हमें अपने दिल में जगह दी, इसीलिए तो सोचा तुमने तुम्हारी भी कोई जगह हमारी जिंदगी में, तुम्हारा भी कोई हक है हम पर। इनकार कर सकती हो इससे? जैसे तुम जवाब नहीं दे सकती, हम शराब नहीं पी सकते। लता,
बात इतनी है, तुम ना नहीं कह सकती, हम हाँ नहीं कह सकते। छोटे सरकार, आप इसी तरह। लता, इंसान का जीवन एक पेड़ की तरह होता है। पेड़ पैदा होता है, उगता है, बड़ा होता है, जब आसमानों को छूने लगता है गिर जाता है, मर जाता है। ये समझ लो हमारा जीवन भी एक पेड़ की तरह है, बस इंतजार है तो सिर्फ उस दिन का जब हम। बस कीजिए, बस कीजिए। जाने से पहले हमारी एक बात सुन लो। हमारी आखिरी सांस तक हमारे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। सुना है करण के बारे में कुछ आता है शहर से? हाँ, पूरे ने लिखा है उसकी सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही है। ओ, हम तो आपके आंसू देखकर ये समझे थे शहर से कोई दूसरी खबर आई है। शमशेर, तुम इंसान नहीं जानवर हो। आपका बेटा झूठ है। पाको मत, करण की भलाई की ओट लेकर तुम्हारे मन में जो उल्टा सिधाया तुम करते रहे, उसकी जिंदगी था और तुमने उसके प्यार को एक जल्दी चिता बना दिया। चीखो नहीं रानी माँ, और अपने आंसू पहुंच दो। करण इतनी आसानी से नहीं मरेगा, ना शराब के लिए और ना प्यार के लिए। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो प्यार किसे कहते हैं? यही सवाल हम तुमसे पूछते हैं माँ, तुम्हें क्या मालूम प्यार क्या होता है? बताइए, वो नहीं आएगी? जानते हैं तुम्हारी दीदी में बड़ा घमंड है, बड़ा गरूर है, बड़ा अभिमान है। इसी अभिमान के तो हम कायल हैं, वरना। एक बार सिर्फ हमें कह दो, तुम कभी हमारी नहीं हुई, कभी हमें अपना नहीं समझा। छोटे सरकार, पूरन काका तुम नहीं समझते, हमारा कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि हम उससे प्यार करते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार वो हमसे कह दे कि वो हमसे प्यार नहीं करती तो हम पी भी लेंगे, जी भी लेंगे, मगर जिएंगे तो किसके लिए? किसके लिए? और क्या कहा उन्होंने? तुम नहीं समझते पूरन काका, वो एक बार, सिर्फ एक बार कह दे वो हमसे प्यार नहीं करती, फिर हम पी भी लेंगे, जी भी लेंगे। अच्छी बात है, उनके जीने के लिए यही शर्त है तो मुझे मंजूर है। माँ, भैया से कह दो मुझे वो रिश्ता मंजूर है। ये आन के हाल में तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, तुम इस शादी के लिए हाँ कह दो, फौरन हाँ कह दो। इस ब्याह से कई लोगों का भला होगा माँ, कई लोगों का भला होगा। मैंने तो सोचा था मैं तुम दोनों को अपने साथ घर ले चलूंगी, मगर वो तो अब हो नहीं सकता। बेटा, तुम ही मेरे साथ घर चले चलो ना। जो होना था वो तो हो गया, जो बाकी है उसे भी हो जाने दो।
छोटे सरकार, ब्याह के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी। मैं ही नहीं रहूंगी, फिर मुझे दिए हुए उन वादों की कैद क्यों? आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, उसे एक मुर्दा वचन पे कुर्बान न कीजिए। लता, से कहो हम आए। जी दीदी, मुहूर्त की शीघ्र ही जा रही है, दुल्हन को जल्दी बुलाइए। शीला, दुल्हन को नीचे बुला रहे हैं। लता कहाँ है? अभी अभी लक्ष्मी साहब उधर गई। देर बाद तुम हमसे बहुत दूर हो जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हारी दुनिया खुशियों से भर दे, तुम्हारी मांग में संदूर चांद और सितारों की तरह चमके। ये आंसू नहीं है पगली, एक बुझते हुए दिल की प्रार्थना है, एक जाते हुए मुसाफिर की आखिरी दुआ है। तुम क्यों परेशान होती हो? परेशानी की बात तो हमारे लिए है, इस बेशरम को हम अपने घर की बहू कैसे बनाएं? मैं कह रहा हूँ श्रीमान के हमारा बेटा आपकी बेटी के काबिल नहीं। आपकी बेटी का चाहने वाला बाहर खड़ा है, अपनी बेटी से कहिए कि उसे बेदी पर लाकर बिठाए और वरमाला उसी के गले में पहनाए। आप ये कैसे कैसे शब्द से निकाल? मैं तुम्हारी बेटी की करतूतें अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। इधर बेदी पर पुरोहित बुला रहा था और बाहर वो अपने प्रेमी के साथ मुलाकातें कर रही थी। अरे, इसके चाहने वाले तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। मैं कहता हूँ श्रीमान, औलाद को जन्म देने से ही आदमी बाप नहीं बन जाता है, औलाद के चाल चलन का भी ख्याल रखना चाहिए। कहीं ऐसा अभी तुम चुप भी रहो, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगाना चाहिए। चलो चलो पप्पी, चलो चलो उठो। इससे तो अच्छा होता कि तुम जहर खा के मर जाती। हमने हजार दुख सहे तुम्हारे, एक सुख भी देख रहे थे तो क्या बुरा होता।
तुमने ठीक कहा भैया, लेकिन जिसने खुद सुख नहीं देखा वो दूसरों का सुखी क्या करेगी। मुझे अब मालूम हुआ, बुझे हुए दिए से दूसरा दिया जलाया नहीं जा सकता। बादल खेतों पर बरसे तो चारों तरफ हरियाली हो जाती है, मगर चट्टानों पर बरसे तो घास का एक दिन का पैदा नहीं होता। दोष सारा मेरा है, मैंने अपने आप को चट्टान बना लिया था। प्यार जैसे मोती के लिए नहीं, अहंकार जैसी मिट्टी के लिए, जिसे मैंने स्वाभिमान जैसा ऊंचा नाम दे रखा था। लेकिन ये बात मैं समझी तो कब समझी, जब इतनी देर हो चुकी है। ना लता ना, सुहा की कोई भी चीज मत उतारना। ये आप क्या कह रही हैं? छोटी सरकार, लता तुम जाती क्यों नहीं हो? हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से आदमी को आगे अकेला जाना पड़ता है। तुम्हें अपने रास्ते पर अकेला जाना होगा, हमें अपने रास्ते पर। मैं भी आपके साथ चलूंगी। हमारा पीछा मत करो। तुमने जिंदगी को दूल्हा बनाया, हम मौत को दूल्हा बनाने जा रहे हैं, और अब हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। छोटी सरकार, तुम भी नहीं। छोटी सरकार, तुम भी नहीं। छोटी सरकार, छोटी सरकार, छोटी सरकार, छोटी सरकार, छोटी सरकार, छोटी सरकार। ना जाओ और देखो मेरा तमाशा। अभी मालूम होगा, अभी तुम्हें मालूम होगा, जिस शान से हम जीते थे उसी शान से हम मर भी सकते हैं। जिन्हें शीशे चोरने नहीं आते उन्हें शीशे तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। हमने तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दिया। तुम हमारी जिंदगी में दखल मत दो, छोड़ दो हमें अकेला। चले जाओ अपने दूल्हा के पास। मैं अपने दूल्हा के पास ही तो आई हूं, अपना घमंड छोड़कर, गरुड़ छोड़कर, अभिमान छोड़कर, स्वाभिमान छोड़कर। लता, लता तुम प्रेम नगर में सिर्फ जिंदगी दुल्हन हो सकती है करण, मौत नहीं। लता तुम हमारी, मेरी दुल्हन, मेरी जिंदगी हो।